गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट का। फॉरेन एक्सचेंज रेट में कल हमने फॉरेन एक्सचेंज देख लिया था। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट पर हम एक करेंसी को एक्सचेंज करते हैं विद द करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ। उसके बाद हमने एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना सीखा था, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर बेटा गवर्नमेंट डिसाइड करती थी एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिमांड फोर्सेज और सप्लाई फोर्सेज के अकॉर्डिंग हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता था, और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग क्या होता था, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बट द सेंट्रल बैंक स्टेबलाइजेस द एक्सचेंज रेट। सेंट्रल बैंक उस एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने की कोशिश भी करता है। देन हमने कल डिटरमाइन किया था एक्सचेंज रेट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमने एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना सीखा था जब इक्विलिब्रियम से, गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम से ऊपर एक्सचेंज रेट कर देती है, मतलब एक्सचेंज रेट व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस द एक्सचेंज रेट। जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर देगी तो इसका मतलब हमें अपनी करेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी की टर्म्स में, जिसका मतलब क्या होता है, हमारी करेंसी क्या हो गई है, डिवेल्युएट। हमारी कंट्री की करेंसी क्या हो गई है, डिवेल्युएट हो गई है। और जब जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से कम कर देगी एक्सचेंज रेट को, डेट मीन्स हमारी कंट्री क्या, हमारी करेंसी क्या हो गई है, रिवैल्यूएट हो गई है, रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन इज डन बाय द गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द एक्सचेंज रेट और व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल्स इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। एंड रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जब गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी, और जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू राइज अप हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी की टर्म्स में, तो उसे हम कहेंगे रिवैल्यूएशन। देन आज बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेस डेवलप्ड कंट्रीज often devaluate their currencies less developed countries often devaluate their currencies जो developed, less developed countries है, मतलब जो भी developed नहीं हुई है पूरी तरह से, वो क्या करती है, अपनी country currency की value को devaluate कर देती है। डिवेल्यूएट कर देती है इसका मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। क्यों करते हैं बेटा वो, अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंड्यूसेस द प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ऑफ एवरी $1 द इन्वेस्टर्स आर गोइंग टू गेट मोर रुपीज। हमने अपनी कंट्री की करेंसी की वैल्यू डिवेल्यूएट कर दी, मतलब पहले हमारा $1.50 के इक्वल था, अब हमारा $1.60 के इक्वल है, तो हमारी करेंसी क्या हो गई यहां से बेटा, डिवेल्यूएट हो गई, करेंसी की वैल्यू कम हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि $1 के बदले में पहले उन्हें 50 की इन्वेस्टमेंट मिलती थी, अब उन्हें 60 की इन्वेस्टमेंट मिलेंगी। तो अ फॉल इन द डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू रेज द डिमांड ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। अब बेटा वो $1 के बदले में पहले 50 रुपीज के गुड्स लेकर जाते थे, और अब $1 के बदले में कितने गुड्स लेकर जाएंगे, 60 के, जिसके वजह से हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स उन्हें चीप लगने लगेंगे, उनके लिए चीप हो जाएंगे, तो वो हमारी कंट्री से ज्यादा गुड्स को खरीदने की कोशिश करेंगे। जब वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स को खरीदने की कोशिश करेंगे, डेट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमें बेनिफिट भी होगा। तो हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि डिवेल्यूएशन की वजह से, करेंसी की वैल्यू कम होने की वजह से हमेशा कंट्री को लॉस ही होगा। इन ऑर्डर टू रेज द एक्सपोर्ट को रेज करने के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, करेंसी को डिवेल्युएट कर देती है। Then exchange rate under flexible exchange rate system
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम यानी फ्री मार्केट के अंदर हम एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करना सीखेंगे। बस बेटा हमें डिमांड और सप्लाई देखेंगे इसमें कि डिमांड और सप्लाई से करेंसी अप्रिशिएट और डेप्रिशिएट कैसे होती है, हम इसका प्रॉपर डिटर्मिनेशन नहीं देखेंगे फ्री मार्केट में, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो सिलेबस हमारे इस बार डिलीट हो गया है। तो हमें इस मार्केट में डिटर्मिनेशन नहीं सीखना है। फर्स्ट हमारे पास डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के डिमांड देखेंगे बेटा। इफ अदर फैक्टर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अगर सारे के सारे फैक्टर्स हमारे कॉन्स्टेंट रहते हैं, देन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर इनवर्सली रिलेटेड। तो डिमांड और फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे होंगे बेटा, इनवर्सली रिलेटेड होंगे। सपोज इस पॉइंट पर ये डिमांड है, ये फॉरेन एक्सचेंज है हमारा, ये डिमांड है और ये रेट है, और यहां पर हम कह रहे हैं $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। अगर हम रेट को बढ़ा दें, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाए R1, तो ये हो जाएगा Q1। ये पॉइंट अगर A था तो ये पॉइंट हो जाएगा B। दैट मींस अब रेट बढ़ गया तो $1 किसके इक्वल हो गया होगा, रुपीज 60 के। तो रेट बढ़ने की वजह से अब हमें अपनी डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। देन द डिमांड ऑफ फॉरन एक्सचेंज एंड द रेट ऑफ फॉरन एक्सचेंज आर इनवर्सली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इफ एक्सचेंज रेट राइजेस, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा बेटा तो डिमांड जो है फॉरन करेंसी की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फॉरन एक्सचेंज की कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। और अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। अगर एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो मतलब हमें $1 के बदले में अपनी ज्यादा इंडियन करेंसी देनी पड़ रही है, तो हम उसके डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब हमारे ज्यादा पैसे जाएंगे, गुड्स हमें $1 के मिलेंगे, तो दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन। इसे हम कहते हैं बेटा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का कम हो जाना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी की टर्म्स में, दैट इज डेप्रिसिएशन। वहां हमने इसे बेटा कहा था डीवैल्यूएशन, क्यों, क्योंकि वहां पर ये काम किसने किया था, गवर्नमेंट ने किया था, यहाँ डिमांड से हो रहा है काम, तो इसलिए दोनों के नामों में डिफरेंस है। Then supply. Supply of foreign exchange. If other factors remain constant or unchanged, then the supply of foreign exchange and the rate of foreign exchange are direct or positively related with each other. Dono direct related honge. Kaise? अगर ये हमारा सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज का, ये देखें बेटा ये क्यू है ये आर है, अगर हम रेट कम कर दें, सपोज यहां पर $1 किसके इक्वल था, 60 के, रेट कम हो गया R1, तो सप्लाई भी क्या होगी, कम हो जाएगी, सप्लाई भी हमारी कम हो जाएगी। इसका मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो गई, $1 के बदले में पहले 60 रुपीज जाते थे, अब $1 के बदले में कितने रुपीज जाते हैं, 50 रुपीज जाते हैं। तो इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। इफ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज राइजेज, देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो राइजेज, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी। इफ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉल्स, देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑल्सो फॉल्स। पहले $1 के बदले में हमारे 60 रुपीज जाते थे, अब $1 के बदले में हमारे 50 रुपीज जाएंगे, तो क्या फॉरेन कंट्रीज से हमारे पास करेंसी आएगी, नहीं, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन। ये होता है बेटा हमारा एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मीन्स राइज इन द वैल्यू ऑफ फॉरेन, राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी की टर्म्स में। वहां पर हमने इसे कहा था बेटा रिवैल्युएशन, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने किया था, तो गवर्नमेंट करेगी तो डिवैल्युएशन और रिवैल्युएशन, और अगर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल के अंदर डिटरमाइन होगा तो वो होगा डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन।
देन बेटा इसमें हमें एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं करना है, सिर्फ हमने इतना ही पढ़ना है, इसमें हमें एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ही समझना है। डिटरमिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट अंडर फ्री मार्केट यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर हमें एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास रीजंस और causes of rise in demand for foreign exchange. Reasons or causes of rise in demand for foreign exchange. Foreign exchange की demand क्यों होती है, क्या reasons हैं जिसकी वजह से हम foreign currency demand करते हैं। First one is imports. जब जब हमें इंपोर्ट करना होगा, जब जब हमें गुड्स बाहर से खरीदने होंगे तो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, तो हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करेंगे। देन टूरिज्म, अगर हमें बाहर फॉरेन कंट्री में जाना है तो इसका मतलब हमें क्या चाहिएगी, फॉरेन करेंसी चाहिएगी। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी फॉरेन कंट्री में किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है कोई, तो भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिएगी, देन वी आर गोइंग टू डिमांड द फॉरेन करेंसी। फोर्थ इज रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, इंटरनेशनल लोन्स, अगर हमने बाहर से किसी तरह का कोई लोन लिया हुआ है और हमें उस लोन की रीपेमेंट करनी है, वो लोन वापस करना है, तो भी हमें फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी चाहिएगी। Then gifts, grants या फिर donations sent abroad, अगर हमें किसी तरह का कोई पैसा, कोई donation, कोई gift या कोई grant बाहर भेजनी है, abroad भेजनी है, तो भी हमें foreign currency चाहिएगी। Then for education, अगर हमें पढ़ाई के लिए बाहर जाना है तो भी हमें foreign currency चाहिएगी। मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर हमें बाहर जाना है तो भी हमें फॉरेन करेंसी चाहिएगी। एंड द लास्ट वन इज फॉर स्पेक्युलेटिव पर्पस, स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए भी बेटा हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। अब स्पेक्युलेटिव पर्पस होते क्या है, When price of foreign currency falls, जब foreign currency के price fall हो जाएंगे तो उसकी demand बढ़ जाएगी। For speculative expected or purposes, now it is available at low prices, क्योंकि foreign currency अब हमारे पास low price पर available होगी, तो हम उनसे gain करना शुरू कर सकते हैं, है ना। Foreign currency के price कम या ज्यादा होने की वजह से हम उनसे क्या कर सकते हैं, unexpected gains arise कर सकते हैं, currency को खरीदना और बेचना। So for speculative purpose के लिए भी हम foreign currency की demand करते हैं। तो ये थे बेटा हमारे reasons और causes of rise in demand for foreign exchange, हम foreign exchange यानी foreign currency की demand क्यों करते हैं, क्या reasons हैं कि हमें foreign currency जिनके लिए चाहिए होती है। The next is reasons or causes of rise in supply, reasons or causes of rise in supply of foreign currency, foreign currency या foreign exchange के लिए हमें supply कब कब बढ़ती है foreign currency की, कब कब supply हमारे पास ज्यादा आती है, export, first is export, बेटा जब हम export करेंगे goods बाहर की foreign country में बेचेंगे तो export करेंगे, तो export करने से हमारे पास foreign currency आएगी। Then investments from rest of the world. जब outsiders हमारी country में invest करेंगे पैसा, तो हमारे पास foreign currency आएगी। Loans from rest of the world. जब जब हम rest of the world से बाहर की country से loan लेंगे तो भी हमारे पास foreign currency आएगी।
टूरिज्म, जब बाहर से लोग टूरिज्म के लिए हमारी कंट्री में आएंगे तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी. गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अगर हमें कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई ग्रांट मिलेगा या कोई डोनेशन मिलेगी किसी तरह की, तो भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आ जाएगी. The next is income receipt. When services are provided to the foreign countries, जब हम foreign country को किसी तरह की कोई service provide करेंगे तो वहां से हमें income generate होगी. And the last was for स्पेक्युलेटिव purposes. स्पेक्युलेटिव purposes के थ्रू भी हमारे पास फॉरेन करेंसी आ सकती है. कैसे? When price of foreign currency rises, जब foreign currency के price rise हो जाएंगे तो its supply also rise for speculative activities. तो उसकी supply भी बढ़ जाएगी. Foreign currency के price rise हो जाएंगे इसका मतलब क्या होगा? हमारी domestic currency की value कम हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब वो लोग क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा supply करने की कोशिश करेंगे. तो ये थे बेटा हमारे पास reasons for foreign exchange. या रीजन फॉर राइज इन सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज. फॉरन एक्सचेंज की सप्लाई यानी फॉरन करेंसी की सप्लाई के क्या क्या रीजन हैं जिससे सप्लाई बढ़ती है. देन लास्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास फॉरन एक्सचेंज मार्केट. व्हाट इज फॉरन एक्सचेंज मार्केट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट वेयर नेशनल करेंसीज आर ट्रेडेड. जहां पर नेशनल करेंसीज का ट्रेड होता है, यानी वेयर द करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर बॉट एंड सोल्ड. जहां पर अलग अलग तरह की करेंसीज, अलग अलग कंट्री की करेंसीज खरीदी जाती है और बेची जाती है. क्या क्या हो सकते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर बेटा? कौन कौन हो सकता है? ब्रोकर्स हो सकते हैं हमारे, बैंक हो सकते हैं, सेंट्रल बैंक हो सकता है. तो ये सब हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ मार्केट वेयर currencies of different countries are bought and sold. जहां पर अलग अलग कंट्री की करेंसी खरीदी जाती है और बेची जाती है. क्या क्या हो सकता है? कौन हो सकते हैं वो? बैंक. ये ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिकली मार्केट है कि ठेले लगे हुए हैं उस पर करेंसी खरीदी जा रही है बेची जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है. तो बैंक हो सकते हैं वो हमारे, सेंट्रल बैंक होगा जहां से करेंसी एक्सचेंज होती है, या ब्रोकर्स हो सकते हैं जो हेल्प करते हैं करेंसीज की एक्सचेंज में. देन फंक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या फंक्शंस हैं, क्या हेल्प करता है ये हमारी? फर्स्ट इज ट्रांसफर फंक्शन. व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की वजह से भी ये पॉसिबल होता है. एक्सटर्नल परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या है? फॉरन एक्सचेंज मार्केट की वजह से बेटा ये पॉसिबल है कि हमारी एक्सटर्नल परचेजिंग पावर बढ़ जाती है. हम बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री की करेंसी एक्सचेंज हो सकती है विद द करेंसी ऑफ द अदर कंट्री, दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ. अगर एक्सचेंज या ट्रांसफर ही ना हो पाता है करेंसीज का तो हम ट्रेड नहीं कर पाते. Then credit function. Credit function में क्या होता है बेटा? जैसे domestic market होती है, domestic trade होता है, तो foreign trade was also depend on credit. Foreign exchange market provide credit in foreign trade. उधार. Foreign exchange market का ही एक function है, credit function. जैसे हमारा domestic trade होता है, यानी trade within the country, उसमें हमारा उधार चलता है. ऐसे ही foreign exchange market में भी transactions trade होता है उधार पर. यानी क्रेडिट बेसिस पर भी होता है. देन हेजिंग फंक्शन थर्ड है बेटा हमारे पास हेजिंग फंक्शन. इसमें क्या होता है? इट इंप्लाइज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क रिलेटेड टू वेरिएशंस इन एक्सचेंज रेट. एक्सचेंज रेट इज लॉक्ड फॉर फ्यूचर सप्लाईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. हेजिंग फंक्शन में क्या होता है? सपोज हमने आज ट्रेड कर लिया,
आज ट्रेड कर लिया, अगर फ्यूचर में फॉरेन करेंसी रेट जो होगा या एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो हमें लॉस हो सकता है, गेन दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज दोनों की होती है, लॉस भी हो सकता है ना, और गेन भी हो सकता है। जब एक्सचेंज रेट कम या ज्यादा होगा तो हमें नुकसान और फायदा दोनों हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हेजिंग फंक्शन का काम होता है ये एक्सचेंज रेट लॉक कर देता है, फिक्स कर देता है एक्सचेंज रेट, जो एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया उसी रेट पर आगे ट्रांजेक्शंस होती हैं। तो हेजिंग फंक्शन भी इसका एक फंक्शन है। तो तीन फंक्शन हुए बेटा हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन और हेजिंग फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन की वजह से पॉसिबल होता है कि हम ट्रेड कर पाते हैं, एक्सटर्नल परचेजिंग पावर हमारी बढ़ जाती है, क्रेडिट फंक्शन की वजह से क्रेडिट मिलना शुरू हो जाता है, क्रेडिट मिलता है, और हेजिंग फंक्शन की वजह से हम एक्सचेंज रेट को लॉक कर पाते हैं, उसे फिक्स कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेटा दो तरह की होती है, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेटा दो तरह की होगी, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। व्हाट इज स्पॉट मार्केट? इट इज अ मार्केट वेयर करंट ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस, जहां पर तुरंत ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, जो रेट चल रहा है उसी रेट पर ट्रांजैक्शन होगी, आज ट्रांजैक्शन हुई उसी रेट पर ट्रांजैक्शन होगी। स्पॉट मार्केट का जो नेचर होगा बेटा वो डेली नेचर होगा, ये फ्यूचर में डिलीवरी नहीं करता, फ्यूचर मतलब फ्यूचर ट्रांजेक्शन में बिलीव नहीं करता, इसमें फ्यूचर ट्रांजेक्शन नहीं होती, जो ट्रांजेक्शन आज होनी है उसी रेट पर वो डील हो जाती है और इसी रेट पर ट्रांजेक्शन भी हो जाती है, दैट इज स्पॉट मार्केट। बट फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, इट इज द मार्केट विच हैंडल्स द ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरन एक्सचेंज मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। फ्यूचर डिलीवरी के लिए मतलब आज ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, इट ओनली डील्स इन फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन में डील करता है, मतलब डिलीवरी आज नहीं होगी, डिलीवरी कहीं फ्यूचर में होगी। इट डज नॉट डील विद स्पॉट ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरन एक्सचेंज, यहाँ पर इमीडिएट ट्रांजेक्शन नहीं होती है। इट डिटरमाइंस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, इट इज द रेट एट विच फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन आर टू बी ऑनर्ड, मतलब आज रेट डिसाइड कर लेते हैं किस रेट पर होगी, बट द डिलीवरी ऑफ द ट्रांजेक्शन विल गोइंग टू बी टेक प्लेस इन फ्यूचर। तो फॉरवर्ड मार्केट के अंदर इमीडिएट ट्रांजेक्शन नहीं होती है, स्पॉट मार्केट के अंदर इमीडिएट ट्रांजेक्शन होती है। स्पॉट मार्केट के अंदर बेटा जो रेट चलता है उसे हम स्पॉट रेट कहते हैं, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो रेट चलता है उसे हम फॉरवर्ड रेट कहते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। Then the next question arises, why are forward transactions contracted? Forward transactions क्यों करते हैं? Speculative gains करने के लिए, फायदा arise करने के लिए कि हमने आज transaction deal कर ली और future में transactions करेंगे, या to avoid the risk of any adverse change in exchange rate, exchange rate में किसी तरह का adversely कोई change आया तो उसे avoid करने के लिए। हमने आज क्या करा, आज अपनी फॉरवर्ड मार्केट के अंदर क्या करा, हमने आज ट्रांजैक्शंस नहीं करी, हमने सिर्फ आज डील करी है, ट्रांजैक्शन हम करेंगे इन फ्यूचर, डिलीवरी कब होगी, फ्यूचर में होगी। तो ये था बेटा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरवर्ड मार्केट एंड स्पॉट मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बेटा दो तरह की होगी, स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट में क्या होगा, स्पॉट मार्केट में करंट ट्रांजेक्शन होंगी, फॉरन एक्सचेंज जो टेक चल रहा होगा, फॉरन एक्सचेंज रेट जो चल रहा होगा उस रेट पर करंट ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। और फॉरवर्ड मार्केट में क्या होगा, ट्रांजेक्शन होंगी जो हैंडल करेगी ट्रांजेक्शन को, फॉरन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन विच आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, उनकी डिलीवरी कब होगी, फ्यूचर में होगी, आज डिलीवरी उनकी नहीं होगी। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर फॉरन एक्सचेंज रेट, जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।